done TV before, and people have seen me in various shows as lead. And my first role was on Star Plus channel, and I was there in the show Santaan on Star Plus. I played one of the leads in that. That was my very first role here in Mumbai in TV. And after that, my last on TV was Sanskar on Colors, where I played the main lead Bhumi. And after that, I am doing this movie now. I just completed this movie, Love Shagun, where I'm playing one of the lead role, and it's releasing on 26th of Feb. कितना डिफरेंट था टीवी करना और अभी मूवी आप कर रहे हो? एक्चुअली बहुत डिफरेंट है टीवी और मूवी में. डिफरेंट इन द सेंस, लाइक एक तो एक्टिंग के मामले में लाइक हार्ड वर्क हम दोनों में पुट करते हैं, बिकॉज सिर्फ मीडियम अलग है पर काम तो हमारा सेम रहता है. बट टीवी कंप्लीटली अलग एक जोन हो जाता है, लोग घर में बैठ के देखते हैं. एंड मूवीज़ के लिए लोग एक्चुअली पे करके जाते हैं, तो मूवीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम होता है. हम लोग काफ़ी वर्कशॉप किए हम लोगों ने, टू गेट द कैरेक्टर राइट. और टीवी में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है. 12-13 आवर्स में वी हैव टू शूट लाइक द होल एपिसोड ऑफ लाइक 20 मिनट्स का एपिसोड शूट करना पड़ता है. बहुत फटाफट होते हैं, लाइन्स आते हैं कभी सेट पे ही और वहीं पे करके सब कुछ करना पड़ता है. सो टीवी इज़ मोर हैक्टिक कंपेयर्ड टू मूवी, एंड क्रिएटिवली मूवी इज़ मोर एनहैंस्ड. How was your experience in Love Shagun? एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. एक्चुअली आई प्ले दिस रोल कॉल शमा इन लव शगुन. शी इज़ लाइक द कैरेक्टर, आई वुड से समथिंग अबाउट अ कैरेक्टर. द कैरेक्टर इज लाइक रियली फनी, एंड शी इज़ अ बार डांसर बाई प्रोफेशन. बट वो बिल्कुल वैसी लाउड और टिपिकल बार डांसर नहीं है. बट वो वही मुंबई या लिंगो में बात करती है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था. उसके लिए मैंने काफ़ी वर्कशॉप करना पड़ा. और तो इट वॉज़ लाइक रियली फन, बिकॉज द कैरेक्टर वॉज रियली चैलेंजिंग, क्योंकि वो बार डांसर है, लाउड नहीं है, एट द सेम टाइम हैव एक अदा है उसमें, एक इनोसेंस है. तो इट वॉज़ फन, और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहा. टीवी से हम लोग आराम से काम करते थे, वर्कशॉप्स किए. तो इट्स माई फर्स्ट फिल्म, सो इट वॉज़ रियली गुड. टीवी क्या, आपने मूवी क्या, आप क्या रियलिटी शो में जाना चाहती हैं? या गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे चांस मिले तो ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन डांस. मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, एंड आई हैव लर्न डांसिंग फ्रॉम श्यामक डावर्स डांस एकेडमी. और बैली डांस भी सीखा मैंने, सालसा भी सीखा है. तो अगर मुझे मौका मिले अपना डांसिंग स्किल्स दिखाने के लिए, तो आई वुड रियली लव टू डू अ डांस रियलिटी शो, लाइक झलक और समथिंग. किस अपने फेवरेट एक्टर के साथ मूवी करना चाहेंगे? वैसे मेरा फेवरेट एक्टर तो शाहरुख खान है. आई मीन ही इज़ टू बिग अ नेम. आई हैव टू जस्ट स्टार्टेड, बट ऑब्वियसली मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में है कि मैं शाहरुख के साथ काम करूँ कभी लाइफ में, चाहे वो एक ऐड ही क्यों ना हो. मैं उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहूँगी. ये बोलना चाहूँगी, अब तक मेरे फैंस मुझे भूमि के नाम से ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज़ वो मेरा नाम था लास्ट शो संस्कार में. जो मेरे टीवी के फैंस है सब मुझे भूमि भूमि जानते हैं. कोई मेरा रियल नेम हार्डली नहीं जानता. टीवी में ऐसा ही होता है कि आपको अपने किरदार के नाम से जाना जाता है, बट जैसे हम मूवी में घुसते हैं तो लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे कि शामिन कौन है. सो मैं फैंस को यही बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टीवी में अच्छा काम करते हुए देखा. नाउ प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी लव शगुन ऑन 26th of Feb, एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मैं कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ. टिपिकल बहू नहीं हूँ, और बिल्कुल ही अलग रोल है जो मैंने अब तक नहीं किया है कभी भी टीवी में. सो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई होप आप अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहे. वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है जी. तो कितना स्पेशल होगा आपके लिए? बहुत स्पेशल है वैलेंटाइंस डे. अभी तो मेरे मूवी के प्रमोशन चल रहे हैं, तो मैं बिज़ी हूँ इस बार वैलेंटाइंस में. और वैलेंटाइंस डे के दिन भी मेरा इवेंट है, तो मैं खास इतना स्पेशली सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी इस बार. बट वैलेंटाइंस डे हमेशा मेरे लिए स्पेशल है. बट मैं ये भी मानती हूँ कि एक दिन किसी को प्यार जताने के लिए काफ़ी नहीं होता है, लाइफ टाइम लग जाती है. एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर रोज़ आपको सेलिब्रेट करना चाहिए. यू शुड सेलिब्रेट लव एवरी डे, नॉट जस्ट वन डे. स्कूल कॉलेज के कुछ यादगार पल होंगे वैलेंटाइन डे में, अगर आप या शेयर करना चाहें? कॉलेज में वैलेंटाइंस डे के दिन लाइक एक वीक से मनता है, रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे एंड ऑल. तो काफ़ी रोज़ चॉकलेट्स मिले हैं मुझे. और स्कूल टाइम एक्चुअली ज़्यादा फन होता था, बिकॉज हम फ्री होते थे और ज़्यादा लाइवली एनर्जेटिक होता था वैलेंटाइंस डे. अभी हम लोग काम में बिजी है, तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है.
बट या आई मिस दोज स्कूल कॉलेज डेज जब वैलेंटाइंस डे में लड़के आके प्रपोज करते थे और मैं आराम से नाउ नो बोल देती थी और रोजेस ले लेती थी और चॉकलेट्स भी ले लेती थी. इट वाज फन. थैंक यू सो मच.